असामाजिक तत्वों ने मचा रखा है आतंक। विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस अधीक्षक से की उचित कार्यवाही की मांग। शहर में कुछ जगह पर असामाजिक तत्वों द्वारा अपना कब्जा जमा रखा हुआ है, जिससे आए दिन हिंदुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उचित कार्यवाही की मांग की गई है, जिसमें रशीद कॉलोनी में कुछ मुस्लिम समुदाय के असामाजिक तत्वों द्वारा बीते दिवस वहीं रहने वाले हेमंत राजपूत के घर पर पत्थरबाजी की गई, साथ ही महिलाओं से अश्लील हरकतें एवं मारपीट भी की गई। इसी क्रम में कर्नलगंज में रहने वाले विशाल अन्नोटिया के आसपास रहने वाले मुस्लिम युवकों द्वारा मारपीट और गाली गलौज की गई, लेकिन उसमें भी पुलिस प्रशासन द्वारा हिंदू युवक पर ही मामला दर्ज कर दिया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने विभाग अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा मोहल्लों में अपना समूह बनाकर खड़े होते हैं, जिससे कभी भी कोई भी अशोभनीय घटना घटित हो सकती है। साथ ही गाय तस्करी पर पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर उचित कार्यवाही की जाए। हमें जी लवजादियों द्वारा और विधर्मियों द्वारा गुना में आम जनता में बेका वातावरण बनाया जा रहा है। मोहल्लों में जाके महिलाओं को अश्लील गालियां देते हैं, पथराव करते हैं गली मोहल्ले में, और तो और कपड़े उतार के और अश्लील हरकतें करते हैं महिलाओं के साथ। उसमें महिलाएं परेशान है। पुलिस में कोतवाली में कोई विशेष कार्रवाई नहीं, 323 की गिल धारा कर दी गई है उसमें। इसके बाद उसके लिए पूरा मोहल्ला दो तीन जगह परेशान थे लोग। दो तीन दिन पहले घटना कंडेलगंज में आई, एक रशीद कॉलोनी में हुई, तो इनको लेकर के पूरे हिंदू समाज में आज जोश है। हिंदू समाज इसके लिए विरोध करने के लिए और एक ज्ञापन देने के लिए एसपी साहब पास आया है। जी।